चार में औद्योगिकरण का युग पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम देखेंगे औद्योगिकरण क्या है। सबसे पहले तो हम देखेंगे उद्योग धनकरण, है ना। तो उद्योग जहाँ पर वस्तुओं का निर्माण होता है उसको हम उद्योग कहते हैं, और जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जब बनने लगती हैं और वहां पर जब माल का उत्पादन अधिक संख्या अधिक मात्रा में होने लगता है तो वह उद्योग का रूप ले लेता है, तो उसको हम औद्योगिकरण कहते हैं, क्योंकि हर वस्तु के निर्माण के लिए एक उद्योग या एक फैक्ट्री की आवश्यकता होती है। इसलिए से हम देखेंगे कि जब शुरू में ही जब ईटी पॉल, ये जो आप देख रहे हैं ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी ने सन 1900 में जब संगीत की एक किताब प्रकाशित की थी, जिसकी जिल्द जिल्द भर दी गई तस्वीर जो थी वह एक नदी नई सदी के उदय डॉन ऑफ द सेंचुरी, ये जो दिया हुआ है तो ये क्या दिखा रहा है, एक नई सदी की युग को दिखा रहा है, जिसमें ये दिखा रहा है कि किस तरह से पहले के लोग किस तरह से कार्य करते थे, उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर कैसे हुआ। मतलब एक तस्वीर के मध्य में आप देखेंगे एक देवी जैसी तस्वीर है, जो कि देवी के हाथ में नई शताब्दी की जो ध्वज है वह दिखा रहा है, जो कि प्रगति के फरिश्ता दिखाई देता है। और इस तरह से यह पहिया जो है समय का प्रतीक है, जिस तरह से आप देखते एक चक्र जो होता है वह समय का प्रतीक होता है, क्योंकि वह हमेशा चलता रहता है। उसी तरह से रेलवे है, कैमरा है, मशीनें हैं, प्रिंटिंग प्रेस है और कारखाना, ये सब जो है भविष्य में ये सब चीजें जो है हमें बनानी होगी या उस चीज का निर्माण होगा, ये उस चीज को दिखा रही है। और फिर आगे हम देखेंगे कि मशीन और तकनीक का जो सह महिमा मंडप एक अन्य तस्वीर में और भी ज्यादा दिखाई देगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये जो दिखाया जा रहा है इसमें चित्र में आप देखेंगे किस तरह से वह पहले वह किस तरह से चल रहा है, फिर क्या है, फिर कैसे कैसे कैसे, वह पूरा एक चक्र के रूप में दिखाई देगा। आगे देखेंगे एक आधुनिक मैकेनिक है जो अपने आधुनिक औजारों से एक नया जादू करता है। यहाँ आपको चित्र में दिख रहा है कि चित्र में आप लोग देखेंगे कि आधुनिक औजार एक जादू का रूप कर रहा है, फूल पानी का जहाज है, मीनार है, गगनचुंबी इमारतें बनाता है। उसी से अलादीन जो है पूरब और अतीत का प्रतीक है। अलादीन को आप लोगों ने देखा होगा, पिक्चरों में भी देखा होगा, नाटकों में भी देखा होगा। अलादीन क्या करता है, एक चिराग को घिसता है और फिर वह उससे जिन्न निकलता है, जिन्न जो निकलता है वह उससे जो उससे मांगते हैं वह उसकी पूरा कर देता है, कोई इमारत बना देगा, राजमहल बना देगा, उस तरह से सारी चीजें वे सिर्फ मांगने भर से पूरा हो जाता था। अब यहाँ पर हम देखेंगे फिर आगे की दुनिया में हम देखेंगे कि जो आधुनिक युग जो था उसमें व्यक्ति क्या करने लगा, वह अलादीन के चिराग से जिन्न नहीं निकलता था, वह व्यक्ति क्या है खुद इतना तरक्की करने लगा, धीरे धीरे इतना विकास कर लिया कि वह खुद औजारों के माध्यम से एक नया जादू के रूप में हर चीज की विजय गाथा, हर तस्वीर को बदल दिया। सबसे पहले उन्हें पहिए का निर्माण किया, पहिए का निर्माण करने से उनको समझ में आया कि इससे हम तेजी से कुछ भी चीज बना सकते हैं। तो इसी तरह से धीरे धीरे पहिए के आविष्कार होने से फिर आवागमन के साधन में उस पहिए का यूज करने लगे, कुम्हार भी उसका उपयोग करने लगा। इस तरह से हमारी जो है आधुनिक स्थिति तेजी से बढ़ने लगी और व्यक्ति जो है काम करते करते वह सीखना चालू कर दिया था। इस तरह से आधुनिक युग की जो विजय गाथा इस चित्र में यह कहती है, जिसमें हम देखेंगे कि जो तकनीक थी उसके बदलाव से क्या हुआ, आधुनिक जो आधुनिक औद्योगिकरण की प्रगति जो हुई उसमें जो औद्योगिकरण का जो युग था इसमें हम जब कहते हैं तो आधुनिक युग जो था हमारा आधुनिक युग में तकनीकी प्रगति भव्य युग के रूप में उभरता हुआ दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि जो तकनीकी बदलाव जो हुए हैं उसमें क्या क्या बदलाव हुए, आविष्कार हुए, मशीनें, कारखाने, रेलवे और वाष्प पोतों की दुनिया के रूप में यह दर्शाया गया है। क्योंकि इसके माध्यम से क्या होगा, देखिए हम जब उत्पादन करेंगे तो उसको आवागमन के लिए साधन हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे ले जाएंगे, यदि हमने कारखाना स्थापित कर लिया, फिर रेलवे हो गया, रेल के माध्यम से, फिर वाष्प के माध्यम से रेल चली, क्योंकि रेल को तो हम हाथी या घोड़े से खींच नहीं सकते थे, इसलिए उनमें यदि हम करते भी हैं, बैलगाड़ी है, रथ है, इसमें जाते तो समय ज़्यादा लगता है और एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में भी समय लगता है। इस तरह से जब ये सब चीजें कारखाने हैं, रेल है, वाष्पोत है, ये सब दुनिया के रूप में जब दर्शाया जाता है तो हम यह देखते हैं कि आधुनिक युग में यह एक प्रगति का भव्य युग के रूप में यह उभर कर सामने आया है, जिससे हम दिनों दिन जो है हम मशीनीकरण की तरह मतलब जो है हम मशीनीकरण का गुणगान करते हैं, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, उत्पादन जो है
हम तमाम तरह के कामों को बढ़ते। अब देखेंगे यहाँ पर औद्योगिक क्रांति से पहले, औद्योगिक क्रांति के पहले हम क्या था, तो औद्योगिकरण को अक्सर हम कारखानों के विकास के साथ जोड़कर देखते हैं। पहले क्या होता था, सारे कार्य जो है हाथ से होते थे। औद्योगिकरण में हम देखते हैं कि एक फैक्ट्री होगा, फैक्ट्री में उत्पादन हो रहा है, मजदूर वहां काम कर रहे हैं। हम जब भी सोचते हैं उस बारे में तो हमारे दिमाग में वही चीजें ध्यान में आती है। इतिहास में भी अक्सर जो फैक्ट्रियों की स्थापना से जो शुरू होते हुए भी हम औद्योगिकरण को भी देखते हैं, क्योंकि पहले के लोग क्या करते थे, जैसे हम देखेंगे यहाँ पर जहाँ औद्योगिकरण कहाँ कहाँ शुरू हुआ। दरअसल इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले भी अंतरराष्ट्रीय बाजार बड़े पैमाने पर हुआ करते थे, जो कि वे व्यापार करते थे और उन उत्पादित वस्तुओं को दूसरे देशों में भी बेचते थे। वह किस तरह से होता था, मैं एक वस्तु का उत्पादन मतलब उस कच्चे माल का उत्पादन करता था, वो उस कच्चे माल को देख के वहां पर रेशे बनाते थे, रेशे से फिर उसको दूसरी जगह देते थे तो वो कलर करता था, वो कलर करने वाले से फिर लेकर उसको धागे का या कपड़े का रूप लिया जाता। इस तरह से वो काम उस समय भी होता था, लेकिन वो काम जो था वह कारीगरों को बटे हुए थे तरह तरह के, मतलब जैसे कि ये एक शहरी दस्तकार है, मतलब एक हम बाजार अंतरराष्ट्रीय बाजार में उसकी स्थापना, ये आप जब पढ़ेंगे तो वह चीज समझ में आएगी। यदि गांव के गरीब काश्तकार या दस्तकार जो सौदागर के लिए काम करने लगे थे, क्यों करने लगे थे, क्योंकि वो 2 महीने यदि खेत की जुताई करके 3 महीने में बेरोजगार हो जाते थे और काम करने के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता था, लेकिन उनको जो उद्योग व्यवसायी जो थे या तो उन्होंने क्या किया, उनको काम जो सौदागर थे, दस्तकार के सौदागर थे, उन्होंने वहां पर उनको खुद काम उपलब्ध कराया, धागा दिया सूत काटने के लिए, तो वो क्या होता था अपना घर का काम भी कर लेते थे और साथ ही साथ वे उन सौदागरों का कार्य भी करके वे उनको आसानी से दे देते थे। इस तरह से जब ये सारी चीजें जो जमीनों को भी जो रोटी अपनी रोजी रोटी के जो लिए साझे जमीनों को जल प्लावन भी हुआ, लकड़ी बोरी बेरियां सब्जियां भूसा गारा ये सारी चीजें भी वे प्राप्त करने लगे थे। इस तरह से देखें कि जब सौदागर वहां आए तो उन्होंने क्या किया, जो साल में जो पैदा होते थे जो चीजें होती थी उसको एकत्र कर लेते थे। इस तरह से हम देखेंगे कि वह औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलना चालू हो गया था। फिर यहाँ देखेंगे औद्योगिक उत्पादन होने वाली जो आमदनी है, खेती के कारण जो सिमटती आय में बड़ा सहारा दिया था, क्योंकि खेती के कारण जो थी उनकी आय सिमटी हुई थी, लेकिन ये ऊपरी काम मिलने से जिस समय वे बेरोजगार बैठे रहते थे उस समय वे क्या करते थे, वे कार्य करते थे। इस व्यवस्था से शहरों और गांवों के बीच में एक घनिष्ठ संबंध विकसित हुआ, जिससे कि सौदागर रहते तो शहर में थे लेकिन जो कार्य कराना होता था वे देहात में जाकर उनसे कार्य कराते थे। इस तरह से हम देखेंगे इंग्लैंड में कपड़ा व्यवसायी जो स्टेन्स था वह भी ऊन को खरीदने के लिए वह सूत काटने के लिए पहुंचा और सूत काटने का धागा मिलता था, धागा फिर बुनकरों के पास। इस तरह से वे क्या करते थे, उनको सूत काटना, फिर सूत काटने के बाद उसको कलर करने के लिए दूसरे को देते थे, वहां से फिर वो कलर किया हुआ धागा लाते थे और उसको बुनकरों को देकर कपड़ा बुनने का कार्य उनको देते थे। इस तरह से कार्य होता था लेकिन उसमें उतनी तेजी नहीं आती थी, उसमें लागत भी ज्यादा हो जाता था लेकिन काम होता था। लेकिन औद्योगिकरण होने के कारण इसमें क्या हुआ, बड़ी बड़ी मशीनों का हम उपयोग करने लगे। उससे ये हुआ कि जो मशीनें थी उससे हम उन चीजों का उत्पादन हम तेजी से करने लगे और फिर धीरे धीरे ये फैक्ट्रियों का रूप ले लिया, जिसमें कि मजदूर और सौदागर जो थे वह धीरे धीरे वह फैक्ट्रियों में कार्य करने लगे, उनसे ही कार्य फैक्ट्रियों में लेने लगे। फिर यहाँ देखेंगे कारखानों का उदय। जब कारखानों का उदय जब 1730 में हुआ, सबसे पहले 10 कारखाने खुले तो उसमें 18वीं सदी के समय आखिर में ये ही हुआ। तो जब कपास के नए युग का पहला प्रतीक इसलिए माना जाता है क्योंकि 19वीं सदी के आखिर में कपास के उत्पादन में भारी बढ़ोतरी हुई थी और जिससे कि कपास उद्योग के लिए जरूरतों को पूरा करने के लिए वहां पर 25 लाख पौंड कच्चे कपास का आयात करता था और उसका निर्माण कराने के लिए और उनका था जो 220 लाख पौंड तक पहुंच गया था। इस तरह से इजाफा उत्पादन की प्रक्रिया में बहुत सारे बदलावों को परिणाम था कि 18वीं सदी में ऐसे आविष्कार हुए जिससे कि उत्पादन की प्रक्रिया में तेजी से हुआ। फिर 19वीं सदी की शुरुआत में कारखाने इंग्लैंड में भूदृश्य के अभिन्न अंग बन गए थे क्योंकि यहाँ कारखाने इतने विशाल और नई औद्योगिक तकनीकी का सहारा ले रहे थे जिससे कि इतनी जादुई दिखाई देती थी कि मतलब कम समय में भी वह किस तरह से उत्पादन को बढ़ा
सकते थे। इस तरह से उनकी आंखों से ओझल गलियों और वर्कशॉप में मशीनों का उपयोग करने के कारण उत्पादन में तेजी आई थी। फिर औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार, औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार किस तरह से हुआ? यह इसलिए हुआ कि औद्योगिकरण की प्रक्रिया में कितनी तेज थी। औद्योगिकरण का मतलब केवल फैक्ट्री उद्योगिक विकास में से ही तक ही सीमित नहीं था, बल्कि यह सूती उद्योग, कपास उद्योग, ब्रिटेन में सबसे पहले फलते फूलते उद्योग थे जो तेजी से बढ़ते हुए कपास उद्योग 1840 के दशक में औद्योगिकरण के उद्योग के आगे निकल गए थे, क्योंकि उस समय कपास का उत्पादन ही सबसे ज्यादा होता था। फिर इसमें हम देखेंगे यहाँ कपड़ा उद्योग एक गतिशील उद्योग था इसके कारण, लेकिन उसके उत्पादन का जो बड़ा हिस्सा कारखाना में नहीं बल्कि घरेलू इकाइयों में ही होता था, क्योंकि कच्चा माल जो होता था वह खेतों में ही होगा, क्योंकि कपास का यदि हम उत्पादन करें तो खेतों में ही होगा। इस तरह से यद्यपि यहाँ पर परंपरागत उद्योग परिवर्तन की गति भाप से चलने वाली सूती और धातु उद्योगों तब तक नहीं हो रही थी जब तक कि परंपरागत उद्योग पूरी तरह से ठहराव की अवस्था में नहीं थे, क्योंकि उनको ये सारे कार्य नहीं आते थे और उनको यह सीखना आवश्यक हो गया था। जब हम देखेंगे कि मुख्य रूप से साधारण और छोटे छोटे आविष्कारों का ही परिणाम था कि औद्योगिकरण प्रौद्योगिकी गति जो धीमी थी वह तेजी से बढ़ी। इस बात को समझने के लिए हम देखेंगे कि इंजन का उदाहरण लें, जिसमें जेम्स वाट ने न्यू कॉमन द्वारा उसने क्या किया था, वाष्पी इंजन का आविष्कार किया था। इस मॉडल के उत्पादन से उद्योगपति मैन्यू बोल्टन ने भी किया और इंग्लैंड भाप में सिर्फ 221 इंजन थे जो कि लोहे और कार्यों में इस्तेमाल नहीं हो रहे थे। इस तरह से इतिहास का इस बात को भी मानने लगे थे कि 19वीं सदी के मध्य जो औसत मजदूर जो थे वह क्या करने लगे थे, मशीनों को परंपरागत जो थे वह मजदूर ही होता था, क्योंकि वह सिर्फ उस कार्य को करते थे। फिर देखेंगे हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति। हाथ का श्रम इसलिए कहा गया क्योंकि लोग उस समय क्या करते थे, इन सब चीजों का निर्माण जो है वह हाथ से करते थे। गरीब किसान जो थे और जो बेकार हो जाते थे, यहाँ पर देखेंगे हम गरीब किसान और बेकार लोग जो कामकाज की तलाश में बड़ी संख्या में जो शहरों की ओर जाते थे, उनको यदि आप जानेंगे कि श्रमिकों को बहुतायत होती थी और वे उनका वेतन भी गिर जाता था, इसलिए उद्योगपति श्रमिकों को यह वेतन के पद पर भारी लागत जैसी कोई परेशानी नहीं होती थी, क्योंकि उनको काम की तलाश होती थी और कम कीमत पर भी वे कार्य करने को तैयार हो जाते थे। इस तरह श्रमिकों की मांग जो होती थी मौसमी आधार पर भी बढ़ती घटती रहती थी, क्योंकि इससे यह होता था ज्यादा मजदूर जो है जरूरत होती थी। क्रिसमस के समय में बुक जो बवंडर होते थे उसमें प्रिंटरों में हम देखेंगे कि अतिरिक्त मजदूरों की दरकार रहती थी, मतलब समय समय पर यह मौसमी मजदूर इसलिए कहा गया क्योंकि आप लोग देखते होंगे ग्रामीण क्षेत्रों में भी जब जुताई रहती है तो उस समय यहाँ से मजदूर चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर मजदूर कार्य करने के लिए फिर वापस शहरों की ओर आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पैसों की आवश्यकता होती है। इस तरह से मजदूरों की भी कम ज्यादा होते रहते हैं। फिर देखेंगे अक्सर हम बारीक डिजाइन और खास आकारों वाली चीजों की काफी मांग रहती थी, तो इसके लिए हम देखेंगे जो बहुत तरह की कुल्हाड़ियाँ बनाई जाती थी, फिर इनको बनाने के लिए यांत्रिक उद्योगों की गति, तो इसके लिए जो बारीक कार्य जो किए जाते थे वह हाथों से ही ज़्यादा अच्छे से किए जा सकते थे, लेकिन बाद में यह विक्टोरिया कालीन जो ब्रिटेन के उच्च वर्ग के जो कुलीन और पूंजीपति वर्ग के हाथों में जो चीज़ें तरवीज देने लगे थे उससे भी ये फिनिशिंग बहुत ही अच्छी होती थी। इस तरह से मशीनों से बनने वाले उत्पादों की उपनिवेश में निर्यात कर दिया जाता था और जिन चीज़ों को मजदूरों की कमी होती थी वहाँ पर उद्योगपति मशीनों का इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि कम से कम मजदूरों का इस्तेमाल करके वे अपना काम चला सकते थे। जिस तरह से हमने बताया कि 10 व्यक्तियों का काम एक मशीन आसानी से कर सकता है, लेकिन जो कुछ कार्य जो होते हैं वे व्यक्ति ही कर सकता है, मशीन उतना नहीं कर सकता, लेकिन उत्पादन यदि अधिक बढ़ाना है हमें मशीनों का उपयोग करना ही होगा। फिर देखेंगे मजदूरों की जिंदगी किस तरह से प्रभावित हुई और किस तरह से मजदूरों की जिंदगी जब प्रभावित हुई तो जैसे जैसे नौकरियों की खबर गांव में पहुंचती गई सैकड़ों तादाद में लोग शहर की ओर जाने लगे थे, क्योंकि उनको नौकरी की आवश्यकता थी। फिर देखिए नौकरी मिलने की संभावना जो थी यारी दोस्ती कुनबे कुटुंब के जरिए जान पहचान पर निर्भर करती थी, क्योंकि यदि हमें मालूम है तो हम दूसरे को यही बताएंगे कि वहाँ पर नौकरी मिल रही है या वहाँ पर काम है, वहाँ काम करने वालों की आवश्यकता है,
तो जो पहचान का व्यक्ति होता था वह उनको लेकर जाता था और उनको कार्य में लगा देता था या उद्योगपति से मिलवा देता था। इस तरह से फिर हम देखेंगे कि सामाजिक संपर्क नहीं होते थे, लेकिन रोजगार चाहने वालों के सारे जो हफ्तों इंतजार उनको करना पड़ता था, जिससे कि इंतजार करने के कारण उनको बोले नीचे रैन बसेरों और रास्ते में उनको रहना पड़ता था और वहां भी रहते थे। इस तरह से अस्थायी बसेरों में वे रुकते थे और जब काम मिलता था तो वे काम करते थे। फिर 19वीं सदी की शुरुआत में वेतन में कुछ सुधार आया, 19वीं सदी में जो है उसमें वेतन में सुधार आया और मजदूरों की हालात में बेहतरी का पता चलता है कि वहां पर औसत आंकड़े जो है साल दर साल जो है उतार चढ़ाव छिपे रह जाते थे। और मिसाल के तौर पर हम देखेंगे नेपोलियन युद्ध के दौरान जो है कीमतों में तेजी से बढ़ी थी, क्योंकि उस समय कार्य की आवश्यकता थी और बाद में वेतन जो पहले मिलता था, लेकिन उससे पहले जितनी चीजें वे खरीद सकते थे मजदूर आमदनी सिर्फ वेतन दर पर ही निर्भर नहीं होती थी। इस तरह से हम देखेंगे कि कितने दिन काम किया है। 19वीं सदी के मध्य सबसे अच्छे हालात जो लगभग करीब 10% शहरी आबादी निहायत गरीब थी, जो कि 1830 के दशक में आई जो आर्थिक मंदी, जैसे जैसे तौर हम बेरोजगारों की संख्या विभिन्न क्षेत्रों में 35 से 75% तक पहुंच जाती थी, वह धीरे धीरे कम होती चली गई थी। इस तरह से 1840 के दशक में चंद शहरों में निर्माण की गतिविधियां तेजी से बढ़ी और इससे लोगों को रोजगार मिला, और साथ ही साथ जिस तरह से रेलवे स्टेशन रेलवे लाइनों का विस्तार हुआ और सुरंगें बनाई गई, निकासी और सीवर व्यवस्था बिछाई गई, इससे क्या हुआ विकास को दर्शाता है कि किस तरह से औद्योगिकरण में वृद्धि हुई। इस तरह से हम देखेंगे कि औद्योगिकरण के कारण लोगों के जीवन में किस तरह से तेजी आई।